हेलो दोस्त, मैं नीरज आप लोगों के सामने फिर से एक जो है क्लास 10 का जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लेकर आया है। जो अगर आप इस पर जो है टर्म 2 देने वाले हैं तो आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन इट। मतलब कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक जो है एक टॉय बना रहा है, मतलब कुछ नंबर का, मतलब कुछ नंबर जो है, मतलब कुछ जो है नंबर ऑफ टॉयज जो हो रहा है एक दिन में जो है बना रहा है। एक सर्टेन नंबर, देखिए द सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, मतलब कि कुछ जो है नंबर ऑफ टॉयज आर फॉर्म्ड इन ए वन डे, मतलब कि एक दिन में जो है कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है। तो यहाँ पर लेट मान लेंगे, यहाँ पर कि हमारा क्या जो है लेट द नंबर ऑफ टॉय फॉर्म्ड कितना बना रहा है इन ए, लेट द नंबर ऑफ टॉय फॉर्म्ड इन ए डे, एक्स मान लेंगे एक दिन में नंबर ऑफ टॉय कितना बना रहा है हमारा एक्स बना रहा है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब ईच जो टॉय है उस टॉय का जो है जो हमारा द कॉस्ट कितना हो रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इच टॉय, मतलब इच टॉय का जो है कॉस्ट वाज फाउंड एट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, मतलब जितना नंबर ऑफ टॉय है 55 जो है माइनस किया जा रहा है जो नंबर ऑफ टॉय है, तो वही क्या है एक जो है हमारा जो है एक जो है कॉस्ट ऑफ का टॉय है। तो मान लीजिए इच कॉस्ट ऑफ टॉय इच कॉस्ट ऑफ क्या कह रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, द नंबर ऑफ टॉय हम लोग क्या बने द नंबर ऑफ टॉय फॉर्म इन वन इन ए डे इज एक्स, मतलब क्या करें 55 माइनस बन गया हमारा। आय क्या कर रहा है देखिए, नंबर ऑफ टॉय इज प्रोडक्शन, आय क्या कर रहा है नंबर ऑफ टॉय इज प्रोडक्शन इन ए डे ऑन ए पार्टिकुलर डेज, ऑन ए पार्टिकुलर डेज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है 750, मतलब टोटल हमारा जो है अमाउंट जो है हमारा 750 आ रहा है। यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ, देखिए आप लिख देते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई करेंगे इच कॉस्ट ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉयज को ईच कॉस्ट ऑफ टॉयज अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा 750 आएगा, 750 आएगा। तो पहला नंबर देखिए तो हमारा नंबर ऑफ टॉयज कितना है एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है एक्स मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट ऑफ टॉय, ईच कॉस्ट ऑफ टॉय कितना है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, 750। तो यहाँ पर क्या करेंगे 55x हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जो सजा देंगे माइनस प्लस 500 मतलब 55 एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब जो है इसको यहाँ से अगर माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस वन से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस वन से हमको मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर अब जो देखिए इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इसको जो बीच वाला है कि इसका मल्टीपल है आप प्लस माइनस करने पर क्या है 55, तो देखिए 750 है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, अगर मैं दो से ले जाएंगे, इसको दो से आप ले जाते हैं तो 2 3 6 7 2 14 और 5, फिर देखिए 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा 7 5 12 यानी 3 से जाएगा, एक बार में दो बार में 5 बार में, एक बार दो बार में 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब 3 से जाएगा 12 5 12 5 17, ये 3 से नहीं जाएगा, अब इसको 5 से ले जाइएगा तो 5 से आपका दो बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, फिर इसको ले जाइए 5 बार में 5 बार आगे। अब जो है इसको हमको जोड़ने घटाने पर क्या है 55 आना चाहिए, तो 5 5 25 5 3 15 15 5 3 15 15 15 2 30, अच्छा देखिए हाँ 25 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, 25 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 55 आएगा। तो इसी तरह का बनेंगे 30x माइनस माइनस 25x
प्लस 60 150, ये क्या हो जाएगा। फिर इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, 750 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अगर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस 30 बचेगा, एक्स माइनस 30 बचेगा। अब यहाँ से किसमें से क्या कॉमन निकालेगा, इसमें से हम लोग माइनस 25 निकाल लेंगे, माइनस 25 निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा और 30 बचेगा, एक्स माइनस इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25 इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर निकालेंगे एक्स इक्वल टू 30 आ रहा है, वो एक्स इक्वल टू 25 आ रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 30 आ रहा है और एक्स इक्वल टू 25 आ रहा है। तो अब यहाँ पर आगे क्या पूछ रहा है, वी फाइंड लाइक we would like to find the number of fly production in a day, मतलब कि एक दिन में जो है number of flies जो है कितना production हो रहा है, तो हमारा value क्या आ जाएगा, या तो हमारा 30 आ जाएगा या तो हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो हमारा 30 आ जाएगा या तो हमारा 25 आ जाएगा, यही क्या जाएगा हमारा नंबर ऑफ, यही हो जाएगा एक दिन का जो है ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्ड या प्रोड्यूस या प्रोड्यूस इन ए वन डे ऑफ वह जो है एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसी को कहा उसी को जो है क्या आ जाएगा 30 और 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो 30 हो जाएगा या तो 25 हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आप लोगों को अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेकर आएंगे, जो आप लोग को मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।